दो मिनट, ये किसका है? फैसल भाई, ये नारी की ना था। ये आप किसकी है? मेरी। क्या कैसे कैसे खा रहे? ये इनके क्या बता ही रहे तो खेन जो तरीके का। हाँ ये बता दे। ये पानी खोल के इसके अंदर डालना है, जितना भी पानी है इसमें डाल देना है। डालने के बाद इसको हिला के दिन में 3 टाइम पिलाना है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 चम्मच रात, 6 दिन तक फ्रिज के नीचे के हिस्से में रखना है, 6 दिन पिलाना है। 6 दिन बाद अगर बच जाती है उठाओ डस्टबिन में डाल दो, ठीक है बेटा? ये हो गया, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, ठीक है? इसमें थोड़ी नींद होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गैप तो दोगी ना, खाने के बाद पानी भी पीते हैं, थोड़ा वक्त देते हैं ना इसमें वक्त। नहीं देखें, हर किसी की अपनी कैपेसिटी में जिसको भी जो भी वसाइल है उसके हिसाब से उससे जो काम हो सकता है वो करना चाहिए। बस उसमें एक चीज़ उसको सोचनी चाहिए कि काम एक ही होना चाहिए कि आप गरीब लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचा पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अगर हमको दिया है तो मकसद यही है कि हम उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं या उनकी तकलीफ़ दूर करें जिनको ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है, आखिरत में आपको यही चीज़ काम आएगी। अगर आप ये काम कर रहे हैं, कमज़ोर तबका है जो, उनको अगर आप सपोर्ट कर रहे हो या फ़ायदा पहुँचा रहे हो तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हो, लेकिन हकीकत सच्चाई ये है कि आप खुद अपना आगे का बंदोबस्त कर रहे हो। तो इस तरह के काम अगर आप कर रहे हो, आपके पास जितने वसाइल हैं बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि आप अपना ही बंदोबस्त कर रहे हैं, किसी को फ़ायदा पहुंचाने वाली सोच छोड़ दें। बज़ाहिर नहीं लग रहा इनको फ़ायदा हो रहा है लेकिन आप अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता रहा, यहां पर जितने डॉक्टर आए हैं एक डॉक्टर भी मुझसे 1 रुपये का चार्जेस नहीं, पैसे नहीं ले रहा, तो वो भी फ्री कॉस्ट काम कर रहे हैं। तो ये भी अपनी आगे के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, अपने आखिरत सवार रहे हैं, संडे का दिन छोड़ के आ रहे हैं। काफ़ी स्टाफ है, लड़कियां हैं जो भी काम कर रही हैं मेडिसिन के लिए, जो भी दे रहे हैं, या जितने स्टाफ है जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, ये सब फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं अपनी आखिरत के हवाले से। तो जिस तरह मतलब कहने का ये है कि ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, अगर आप सब आप फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हो और अपनी आखिरत का बंदोबस्त करना चाह रहे हो तो अल्लाह ने आपको 2 हाथ 2 पाँव दिए हैं, ये भी बहुत है। आप सिर्फ मेडिसिन की लाइन, मैंने अभी तक जितने कैंप लगाए हैं यहाँ पर कराची के अंदर, मेडिसिन पे इतना क्राउड मैंने नहीं देखा, मेडिसिन पे इतना क्राउड अभी तक आज तक मैंने नहीं देखा। एक वक्त में 50 लोग मेडिसिन लेने के लिए खड़े हों, ये क्राउड मैंने कभी नहीं देखा। तो इसका मतलब बहुत नीडी इलाका है, नो डाउट। और मैं फैसल मरकाटिया, सलीम मरकाटिया, नासिर लेरा, सलीम भाई और पूरी टीम को, कोई नाम मिस हो गया तो सॉरी, पूरी टीम को थैंक्स अदा करूंगा। जितने डॉक्टर आए हैं सब डॉक्टर का थैंक्स अदा करूंगा, जितने मीडिया वाले आए हैं कवरेज करने के लिए उनका थैंक्स अदा करूंगा। और काफ़ी अच्छा और काफ़ी सक्सेसफुल ये मेडिकल कैंप है, इसमें काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो मलेरिया डेंगू के प्रॉब्लम्स की वजह से भी हैं, तो अच्छे टाइम पर यहाँ ये मेडिकल लग गया, तो जो इस तरह के मर्ज में हैं उनको मेडिसिन मिलेगी, अल्लाह करेगा उनको शिफा मिले। बाकी अच्छे आँखों के पेशेंट पे बहुत रस है, बाकी जो लेडीज़ अमराज के हवाले से उनके देखें आप कितने पेशेंट खड़े हैं। मैंने मतलब मुझे लगता है काफ़ी क्राउड वाला ये मेडिकल कैंप है, इसलिए मैंने अभी बात की थी अपनी टीम से कि मुझे लगता है 1-2 महीने बाद हम एक दोबारा यहाँ मेडिकल कैंप लगाएंगे, और काफ़ी सक्सेसफुल मेडिकल कैंप जा रहा है। डेंगू के हवाले से अभी आज जो है तो समझे डेंगू का भी हम लोगों ने ये इलाज कर ही रहे हैं, बस उसके इंजेक्शन का कुछ है अलग से, तो मैंने सलीम भाई से बात की थी यहाँ की टीम से कि अगर उसको कुछ अरेंज कर सकें तो हम अगले हफ्ते कहीं ना कहीं मेडिकल कैंप लगा के वो डेंगू के इंजेक्शन वगैरह अरेंज कर। देखिए सब चीज़ें अरेंज करना मसला हो जाता है, और अगर बाकी तो हम अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो गया उसके इंजेक्शन के हवाले से तो वो तो मसला नहीं है, बाकी उसको अरेंज किस तरह लगाना है, रिएक्शन नहीं हो जाए, लगाने के लिए हमारे पास ऐसे क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए। तो देखें उस पर भी वर्किंग करेंगे, अगर अल्लाह ने चांस दिया तो हिम्मत दी और अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि हम ये खिदमत कर पाएँ
तो हम ज़रूर करेंगे। हमारे मेडिकल कैंप में तकरीबन हर डॉक्टर खुद यानी आता है, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं डॉक्टर। मैंने यही कहा इन सब का थैंक्स अदा करूँगा क्योंकि संडे का दिन छोड़ के सब डॉक्टर आ रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं, हर किसी की अपनी फैमिली होती है, तो ये सब अपने आखिरत बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अल्लाह इन सबको हिम्मत दे और ये काम करने की, इस तरह कंटिन्यू काम करते रहें, और जिन जिन के पास वसाइल है, जो लोग करना चाहते हैं उनको लिए ये बहुत आसान हो जाएगा अगर अपनी आखिरत बनानी है। पैसा तो खैर अब आपके पास है तो आपने कर दिया, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपका इंटरेस्ट, आप फिज़िकली इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसी से पता चलता है, नीड है। और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं आजकल के हिसाब से, महंगाई इतनी हो गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी महंगाई हो गई है, डेंगू के मरीज़ बहुत हो गए हैं, और मुझे लगता है कि इन हालात में मेडिकल कैंप बहुत ज़रूरी है, और जिसके पास भी वसाइल हैं उसको मेडिकल कैंप लगाना चाहिए। यहाँ पर मलेरिया और डेंगू के काफ़ी पेशेंट नज़र आ रहे हैं, स्किन के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, और काफ़ी यानी नीडी इलाका है, और मुझे लगता है कि हमारे पास दवाई यानी क्राउड बहुत ज़्यादा है, और हमको लगा है कि हमारे पास दवाई की भी वाफी मकदार में दवाई है, तो दवाई भी शॉर्टेज नहीं होगी, मेडिसिन भी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेडिकल कैंप जा रहा है, और फिर मैं यहाँ की पूरी टीम को सबको मुबारकबाद दूंगा, और सबकी तारीफ करनी चाहिए कि ये लोग जो जितना भी काम कर रहे हैं सब लोग बहुत अपनी मेहनत, घर बार छोड़ के डॉक्टर हैं, संडे की छुट्टी छोड़ के आप लोग आए हैं सब, तो पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक्स अदा करूँगा। और काफ़ी अच्छा मेडिकल कैंप जा रहा है और काफ़ी डिसिप्लिन है। देखें आपने पहला सवाल किया जकात के हवाले से, तो मैंने क्या किया है कि मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे दुनिया में जितने भी सेविंग होम के डिपार्टमेंट हैं उनके एक परसेंटेज तय कर ली है, तो उसकी इनकम से मैं अपने मेडिकल कैंप लगाता हूँ। लेकिन क्या है, मेडिकल कैंप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं मेडिकल कैंप, तो उसमें क्या है कि कितने लोग ऐसे भी हैं या कितने इदारे ऐसे हैं जो अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं कि हम भी अपनी एक टीम को भेजेंगे वहाँ पर आपके साथ मेडिकल कैंप लगाएंगे। देखें जिन जिन इदारों दूसरे जो इदारे हैं जो मेडिकल कैंप में आके मेरे साथ ताउन करते हैं, उनका मुझे नहीं पता वो किस फंड से काम कर रहे हैं, उसका जवाब वही दे सकते हैं। मैं अपना कह रहा हूँ कि मेडिसिन हो गई, मीडिया हो गया, जो बाकी अखराज आते हैं खाने पीने जो भी है, ये मैं अपने सेविंग होम के करियर से करता हूँ। बाकी एक बार हम लोग गारों में गए थे तो वहाँ कुछ लोगों ने कपड़े बांटने आए थे, उन्होंने कहा हमको कपड़े बांटने हैं, तब वो कपड़े बांट रहे हैं वो किस फंड से बांट रहे हैं वो उनका उनसे सवाल बनता है। मेरा अपने तक बताऊं कि मेरे मेडिकल कैंप में ना जकात है ना कुछ भी नहीं। हाँ उन दूसरे को इदारे मेरे साथ अगर अटैच हैं वो भी उस पर एक बड़ी जगह है फ्यूचर में या पास में हमारे साथ काम कर चुके हैं, उनका जवाब तो उनसे बनता है कि वो किस तरह के फंड से काम कर रहे हैं। मेरे जो मेडिकल कैंप है, मेडिसिन हो गई, स्टाफ हो गया, सब कुछ हो गया, जो भी यहाँ पर मैनेजमेंट हो गया, ये सब मेरा अपना है, इसमें मेरी कोई यानी जकात का एक रुपया भी नहीं है। इन फ्यूचर में मैं जैसे जैसे मेडिकल कैंप लगाऊंगा, क्योंकि बड़े नीडी इलाके हैं, तो वहाँ पर अगर आपके कितने ऐसे इदारे हैं जो हमको कहते हैं कि भाई हम अपने आपके साथ काम करना चाहते हैं, अपना एक स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो वो लोग अपना स्टॉल लगाएं और उनका क्या हिसाब किताब है उसका सवाल उनसे बनता है।